द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच वी विल कवर अबाउट सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी इज अबाउट हिज एटीट्यूड एंड इट इज रिटन इन द हिस्ट्री दैट ही वॉज ही सैट ऑन द थ्रोन एट द एज ऑफ 70 दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी राइप एज एंड ही शोड ऑल हिज वीकनेसेज ऑफ ओल्ड एज एंड His old age affected his attitudes and activities. Like he was not young, he had spent his time, he has seen his rise and a lot of difficulties. So there was a saturation in his attitude. And he had lost interest in the battles. He became extremely liberal and tolerant and therefore adopted a pacific policy. अब इट इज़ इट कैन बी सेड दैट ही वॉज वेरी मच कंटेंटेड विद हिज लाइफ एंड ही डिडंट वॉन्ट टू अटैक एंड कैप्चर न्यू लैंड एंड एक्सपैंड द बाउंड्री लाइन ऑफ हिज एम्पायर सो इट इज इट कैन बी वेरी राइटफुली सेड अबाउट हिम दैट ही हैड अडॉप्टेड अ वेरी पेसिमिस्टिक पॉलिसी He tried to please the Turkish nobles and mostly allowed them to enjoy their previous posts. He pardoned not only those who revolted against him, but also the thugs and the robbers. And that was a very difficult decision made by him because when he pardoned all those who were revolted against him, they took no other chance and started again plotting against him. And it created a lot of difficulties when Alauddin Khilji, after Firoz Shah Khilji, when he ascended the throne, he had to deal with all these nobles and all these robbers and thugs with harsh policy. He tried to win over his disloyal officers by exhibition of personal chivalry or unbounded generosity, because of which he ultimately became a prey to the conspiracy of his son-in-law and was murdered by Jalaluddin. और ये भी बिल्कुल इसके बारे में सही कहा जाता है कि क्योंकि ये एक जनरल बादशाह था तो इसने जलालुद्दीन के प्रॉब्लम्स को भी जो है ही डिड नॉट इवन एड्रेस अबाउट द वीकनेसेस ऑफ जलालुद्दीन एंड जलालुद्दीन डिड नॉट लीव हिम एंड वेन एवर ही गेट द अपॉर्चुनिटी ही किल्ड सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह and he ascended to the throne. So he was also considered to be a very religious minded old Muslim and he did not have any desire except to pass his old age in peace and acts of benevolence. अब ये भी एक जो है एक फैक्टर है जो कि हिस्टोरियंस जो हैं वो फिरोज शाह खिलजी के बारे में जो है वो बताते हैं कि he wanted to live in peace. वो बड़े सुकून से अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम जो है वो गुजारना चाहता था. जलालुद्दीन वॉज नॉट रिलेटेड टू द प्रीवियस रॉयल फैमिली, देयरफॉर द पीपल ऑफ दिल्ली हु रिगार्डेड हिम एज ओनली अलबरी टर्क्स एज वर्दी ऑफ रूल रिगार्डेड हिम एज एन अनसर्परर एंड डिड नॉट एक्सेप्टेड हिज क्लेम टू बी द रूलर ऑफ दिल्ली. और ये भी इसके लिए एक बड़ा एक नेगेटिव पार्ट जो है वो हुआ क्योंकि जो नोबल नोबिलिटी थी दिल्ली सल्तनत की, दे कंसिडर्ड हिम नॉट टू बी आप कह लें अप्रोप्रिएट फॉर रूलिंग द दिल्ली सल्तनत बिकॉज फॉर देम ओनली द अलबरी टर्क्स वर सपोज टू बी वर्दी ऑफ द थ्रोन, नॉट एनी अदर. एंड दे वर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अफगान्स, नॉट द टर्क्स. दैट्स वाई ही वॉज नॉट इवन एक्सेप्टेड बाय सम ऑफ द नोबल्स when he ascended to the throne of Delhi.